जान लो, सर उठा के मुझे जीने दो, मरने से घबरा रहे हम, जान की बाजी लगा देंगे हम, सारी पृथ्वी ये जान लो, सर उठा के मुझे जीने दो, मरने से घबरा रहे हम, जान की बाजी लगा देंगे हम। तुमने ये क्या कर दिया छोटी? थोड़ी देर हो जाती तो डैडी का फोटो टूट जाता। सॉरी भैया। बचाओ! पिताजी। बेटा विवेक। बचाओ! बचाओ! विवेक। विवेक ये क्या कर रहे हो बेटा? विवेक विवेक माँ, पिताजी माँ, तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हुए एक महीना हो गया है। बेटा चलो चलो मेरे साथ। जानते हैं मामा जी, मेरे दिल के ख्यालों वाला लड़का मुझे मिला। मैंने अपनी आंखों से देखा। सपने में देखा क्या? नहीं मामा जी, सपने में नहीं देखा, मैंने उसे देखा बस स्टैंड पे। देखो मुझे चक्कर सा आ रहा है, मैं सोचने में कंफ्यूज हो रहा हूँ। और क्या क्या देखा तुमने? बस स्टैंड पर जब वो बस आके रुकी ना, तो मैंने उसे ट्रेन से उतरते हुए देखा। ट्रेन से भाग कर गया कहाँ?
वो भाग नहीं रहा था मामा जी, हा? मैं भाग रही थी। क्यों? मैं भाग रही थी क्योंकि मेरे पीछे गुंडे भाग रहे थे। अरे क्या कहती है, बस रुक गई, तू उसके पास आई, तेरे पीछे गुंडे भाग रहे थे, और उसके बाद क्या हुआ? अरे मैं भाग रही थी ना, तो क्या वो सडनली मैं नंदू से टकरा गई। मांगो, इतनी जोर से टक्कर मार दी। अरे पढ़ाई छोड़कर तुम अकेली जवान लड़की जरा बस स्टैंड पर घूमती रहोगी तो किसी ना किसी दिन तुम्हारे घर वालों को पता चल जाएगा। ऐसा मत करो मेरी माँ। नो फाइट। क्या कर रही है बेटी? अरे मेरी तो दम निकल जाएगी। ऐसा मत मार, बुढ़े हड्डी में जान नहीं आ। सूर्य नारायण, तेरा बाप आगे लगता है। अंजलि, अंजलि, मैं छुप जाता हूँ। अंजलि, जीजा जी, अंजलि, अंजलि, तुम ठीक हो ना बेटी? भगवान की कृपा से तुम्हें कुछ नहीं हुआ ना? ठीक, तू चुप रह। मैंने अपनी बेटी को तुम्हारे घर पर इसलिए छोड़ा ये सोचकर कि कोई भी उसकी परछाई को छू ना सके। ऐसा करने से पहले कोई भी 10 बार सोचे। आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ है जीजा जी? हाँ बैठो। मैं तो इसे पलने पर बिठा कर रखा। बस स्टैंड पर कुछ हो जाता तो इसकी अर्थी पर फूल चढ़े होते। मुझे कुछ नहीं हुआ डैडी। तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसके चेहरे पे चोट कैसी? तुम्हारी बेटी मेरे साथ फाइट कर रही थी। इसके साथ तुम ऐसे खेल खेलते हो? तुम इसको फोन लगाओ, लगाओ फोन। हेलो। तुमने मेरी लड़की को मारने के लिए गुंडे भेजे? अरे हिम्मत है तो मेरे सामने आकर दिखा। अरे काट कर रख दूंगा, समझा क्या? लड़की के ऊपर तुम मेरे गुंडे भेजेगा तो याद रखियो, जान से मार दूंगा। भाई वो राम सूर्य प्रसाद है ना, वो हमसे भी पावरफुल है भाई। आपने उसकी लड़की के ऊपर अटैक करवाया, अगर वो हमारी स्वाति के ऊपर अटैक करवाया तो उस भिखारी की जिंदगी के जैसे मेरी लड़की की जिंदगी कहीं ज्यादा सही सलामत है। और मेरी लड़की कहाँ है वो जिंदगी भर पता नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अपनी लड़की का एडमिशन उसी के कॉलेज में करा दिया। ओह ग्रेट। वो कौन था भाई? वो शहर में नया नया आया है। वो चाहे नया हो या पुराना, हर हाल में उसका पता करके उसका काम तमाम कर दो। काटता टुकड़े टुकड़े कर देता हूं उसके। चंद्रकांत जी, चंद्रकांत जी। कौन है? ओ माँ तुम? नमस्कार। नमस्कार। सब ठीक है ना? आइए सुगना। हाँ। हरिश्चंद मास्टर जी की फैमिली आई है, और तुम अंदर क्या कर रही हो? अच्छा आप उन लोगों को बैठाइए, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है, आइए माँ जी बैठिए। हाँ। बैठ गए क्या? हाँ हाँ, उसका स्वभाव ही ऐसा है। वो ऑल इंडिया रेडियो में काम करती है ना, जिस तरह से रेडियो में आवाज आती है पर बोलने वाले को नहीं देख सकते, उसी तरह से इसकी भी आवाज आ रही है मगर वो नहीं। हमेशा काम करती है क्या? चुप रहो, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, अपनी बहन से कह रहा हूँ। कोई बात नहीं, अब मैं अपनी बीवी से आप लोगों की मुलाकात करवाता हूँ। नाम है सुगना। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार। जैसा उसका नाम है सुगना उसी तरह से रहती है। ओ, ओ, क्या हुआ जी? आटा गूंथ दिया क्या? हाँ अंकल, आटे फेंकने में नंबर 1 है क्या? तुम्हें ये सच्चाई कहाँ से पता चली? कुछ नहीं, आपको गोभी फेंक कर मारा नहीं इसीलिए। सॉरी जी, फूल को गुलदस्ते में लगा दीजिए। उसे आटा गूंद कर दिया तो इतना प्यार दिखा रही है, नहीं तो सारा आटा मेरे मुंह पर गूंद देती। वो किचन में है, आप लोग अंदर आ जाइए। माँ जी आइए। चलो। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग धीरज। ये आपके जो हरिचंद मास्टर जी के लड़के विवेकानंद शास्त्री। हाय। ओके बाय डैड। बाय। एडन्स कॉलेज में सेकंड ईयर में इंजीनियरिंग कर रहा है। देखो बेटा, आज मैं जो कुछ भी हूं तुम्हारे पिता के आशीर्वाद से ही हूं। Thank you.
इसे क्या हुआ माजी? मत पूछो भाई, पुरानी दुर्घटना को याद मत दिलाओ। बेटा, जो हो गया सो हो गया। आओ बेटा, आइए माजी, ये आप लोगों के रहने की जगह। आज से इस घर को मेरा मत समझिए, ये घर आज से आप लोगों का है, बस आप अपना समझ के रहिए। बहुत खुशी हुई, जैसे तुम्हारा दिल बड़ा है वैसे घर है, मैं तुम्हारे इस एहसान को कैसे चुकाऊंगी? इस तरह की बात मत कीजिए, मेरे पास जो कुछ भी है वो सब आपका है और आप इसे अपना ही समझिए। आप जो कह रहे सच है, मुझे आपके कॉलेज में एक एडमिशन चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, अगर हो सके तो मेरे भैया को कॉलेज में जॉब दिलवा दीजिए ना। अभी कॉलेज में कोई जगह खाली नहीं है। कोई भी नौकरी चलेगी, चिंता नहीं। इनको इतना परेशान मत करो, जो उन्होंने मदद की है ये बहुत है, मेरी जो प्रॉब्लम है उसे मैं खुद हल करूंगा। माँ जी, अगर आपको बुरा ना लगे तो कॉलेज में प्यून की नौकरी खाली है। काम कैसा भी हो, उस काम करने में कोई शर्म नहीं है, परेशानी में ये कोई भी काम कर सकता है, जरूरत हमारी है। ठीक है, कल से इसे कॉलेज भेज दीजिए। देखो बेटा, तुम्हें इतना निराश नहीं होना चाहिए, सोसाइटी में जगह पाने के लिए संघर्ष करो और अपने पिताजी की कसम खाओ कि तुम किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाओगे। खाओ भैया। ये लड़की पटाने के लिए रोज स्टाइल मारता है, अभी आगे जाके गिर पड़ेगा। तुम जैसे दुनिया में और कोई नहीं है राधा। ऐसा क्या? तो अब मैं चलती हूँ। मुझ में ऐसा क्या देखा जो मुझसे प्यार करने लगे? अरे कुछ देखने के लिए तो प्यार कर रहा हूँ। हाँ? अरे यार, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो तुम क्यों पी रहे हो? तुम्हारी उम्र बढ़ाने के लिए। हाँ? अंधे हो क्या? दिखाई नहीं देता। कौन अंधा बेबी? तुम अंधे। अच्छा, तो ये तुम्हें कैसे पता चला बेबी? चांदनी, आई लव यू चांदनी। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या गाड़ी को धक्का मार कर लेके आ रहे हैं? धक्का मार कर नहीं ला रहा हूँ। क्या सर, आपको तो नई गाड़ी ले लेना चाहिए था ना। इसकी तो क्लास लेनी पड़ेगी। क्या? इस गाड़ी के बारे में तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं। इस गाड़ी को मेरे परदादा ने मेरे दादा को और मेरे दादा ने मेरे पिताजी को दी और मेरे पिता ने मुझे दी और मैं ये अपने बेटे को दूंगा। आपका बेटा क्या करता? अभी पैदा नहीं हुआ। तब तो ये गाड़ी यहाँ नहीं होना चाहिए। तो कहाँ होनी चाहिए? मैं रख दीजिए। तुम्हारा टेस्ट अच्छा है, तुम जू से भाग कर आए हुए लंगूर लगते हो। लेकिन तू है कौन? अभी अभी मैंने कैंटीन चलाने के लिए लिया। अच्छा, ऐसा क्या? अरे कभी आऊंगा तो चाय पी कर जाऊंगा फ्री में। क्यों, प्यार है ना? I love you too. Yeah! अरे यार, अपने कॉलेज में कोई नई लड़की आई हो तो खबर करना। Hi girls! Huh? बाप रे, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। देखने में पेरू नहीं चना हो। चना नहीं हो तुम। और फूल नहीं हो तुम। तुम कली हो। जानू। पेरू हो क्या?
सुनो, मेरी बातों में कोई डबल मीनिंग नहीं है बाबा, कली हो तो खिलोगी ही ना। फूल तो हवा में उड़ेगा, फल है तो कटेगा ही। गुलाब जामुन हो या रसगुल्ला, गुंगी हो, बोलो ना बेटी। अभी तुम कौन सी क्लास में हो बाबा? मैं अभी जूनियर इंटर में हूँ। जूनियर इंटर में और इतनी देर से जवाब दिया? जाओ बाबा, जाओ बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते मास्टर जी, नमस्ते मास्टर जी। हाँ, देखने में कितने खूबसूरत हो। क्या तिलक है, क्या गेटअप है, क्या धोती, क्या लग रहे हैं आप। स्वागतम मास्टर जी, स्वागतम। अरे इस धोती को तो छुप कर देखना चाहिए। अरे पजामा छोड़, कुर्ते को भी तो देख, गेटअप तो देखो। आईसा चलते देखो। आईसा क्या कर रहे हो? आईसा, उन लोगों को शायद पता नहीं है हमारे कॉलेज का नया प्यून है। सॉरी सर। ये कॉलेज के स्टूडेंट तुम्हारी रैगिंग कर रहे थे। रैगिंग में नंबर वन है ये। वो बात नहीं है सर, ये तो आम बात है। अरे यार, कल से खेलने के लिए हमारे लिए नई लड़की मिल गई। ये हेलो, गणेश महाराज की जय। गणेश भाई? हाँ भैया, मैं हूँ। आज विनायक चतुर्थी है और उसी के चंदे के लिए फोन किया। वो क्या भैया, बीते हुए महीने में तो गणेश चतुर्थी निकल गई। ये आने वाली गणेश चतुर्थी का चंदा है। अभी तो उसका 11 महीने बाकी है। अरे चुप, मैं तुम्हारे कॉलेज का स्टूडेंट नहीं हूँ, पुरानी बस्ती का गणेश हूँ। अभी तुम्हें 10 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 10,000 रुपए चाहिए। या 10,000? हाँ 10,000, नहीं तो गणेश की जगह तुम्हें ठंडा कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं? क्या बात है सर, आप परेशान हैं? मेरी समस्या तुम्हें समझ में नहीं आएगी। ये फाइल लेकर इंटर फर्स्ट ईयर में जाकर दे दो। इंद्रधनुष जैसे खिल रहे हो। रंगीन कुर्ता, रंगीन धोती, रंगीन तिलक, क्या लग रहे हो? मैं नरसिम्हा हूँ। मेरे पिता उससे भी ज्यादा थे और मेरे दादा उससे भी ज्यादा थे और उसके पिता उससे भी ज्यादा थे। क्या नामर थे? आपके घर में सभी हैवाने कोई आदमी नहीं है क्या? जब जब ऐसी बातें मत किया करो, ऐसे सवाल मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे यह सब सुनकर तकलीफ होती है। क्लास में खड़े होकर बात करोगे तो तकलीफ होगी ना। ओके ओके, देखो मैं तुमको अब राजनीति शास्त्र पढ़ाता हूँ। तो अभी तक कौन सा शास्त्र पढ़ा रहे थे? ओके ओके, अब मैं आपको राजनीति शास्त्र पढ़ा। आपकी घर की कहानी खत्म हो तब ना पढ़े। सबको एग्जाम में मैं 0 मार्क्स दूंगा। ए रुको, ये क्या चोटी बना रखी है? और तुम कौन हो? पियून हूँ, पहला दिन है आज। नया हो तो क्या हुआ, अंदर आने से पहले परमिशन लेना चाहिए, ये पता नहीं है क्या तुम्हें? काम कैसे किया जाता है, अगर तुम पढ़े लिखे होते तो मालूम होता। अगर मुंह खोलोगे तो रास्ते में रहने वाले भिखारी लगोगे। पियून होने का मतलब ही नहीं मालूम, कोई भी काम नहीं मिलता। किसी की सिफारिश से तुझे यहाँ नौकरी मिल गई तो तुम्हें हम सबकी रेस्पेक्ट करना कहाँ से आएगा? अरे देख क्या रहे हो, तुम्हें मेरा रेस्पेक्ट करना चाहिए ना। हैं? अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ। हमारा सारा गुस्सा उस बेचारे पियून पर निकाल दिया। वो कोई और नहीं, मेरा भाई है। जिस इंसान को बगैर हाथ पैर डुलाए मेहनत के काम मिल जाता है ना, उसका यही हाल होता है। ए तिलकधारी, पिताजी, पिताजी, पिताजी।
हेलो। अरे ये क्या, शंकर शास्त्री शंकर दादा कब से हो गया? हाय चंद्रन, बहुत हैंडसम लग रहे हो यार। क्या शूज है, क्या ड्रेस है, क्या गेटअप है, क्या हेयर स्टाइल है, कमाल है। थैंक यू। ये सब तुम्हारे पास भी है चंद्रम, तुम सभी मुझे पसंद हो। इस कॉलेज में पढ़ने वाले सभी मुझे पसंद है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे बोलना, आप लोगों की सभी प्रॉब्लम दूर कर दूंगा। मतलब तुम लोगों को समझ में नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी पार्टी दे रहा हूँ। I'm coming from California. इंडियन इंडस्ट्री को तोड़ने को आया। थोड़े दिनों में पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। मुर्गी कुकड़ों को क्यों बोलती है? अरे मुर्गी है तो बोलेगी, ये बात पानी में मक्खी कैसे गिरी? वो पानी में मक्खी नहीं गिरा, तैर रहा है। स्विमिंग स्विमिंग। hey, ये कैसे बिस्किट है? इसको तो कुत्ते भी नहीं खाएंगे। अच्छा hey, इसका बिस्किट कुत्ते को, कुत्ते का इसको दो। नेक्स्ट। क्या मिस्टर केली, फर्स्ट पीरियड से बैठा हूँ, आखिरी पीरियड हो गया, अभी तक खाना भी नहीं आया और पेपर भी। ओके okay, पहले पेपर खाओ, बाद में कुछ और खाते हैं। क्या ब्रेन है आपका। अरे मैं ताली नहीं बजाता हूँ, दूसरे से बजवाता हूँ। चपर चपर बंद करो, पहले कॉफी दो। ओके कॉफी नहीं है तो ये क्या है? ये बड़े भाई का कॉफी, ये सीधा कैलिफोर्निया से उड़ के आए हैं कॉफी और चाय बेचने के लिए तुम लोगों ना। ये तो यंग जनरेशन के ऊपर इंडिया में कलरफुल फिल्म बनाकर अवार्ड लेने के लिए आए हुए हैं भाई। चलो कहीं और चलते हैं भाई, इन लोगों का चॉइस दिमाग ने नोट कर लिया है। हाय ब्रदर, ये क्या तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? कैलिफोर्निया कॉफी नहीं दे रहा है बॉस, ये क्या दिमाग खराब कर रहा है, चलो कहीं और चलते हैं। अरे एक कॉफी के लिए इतनी टेंशन ले रहे हो? ओके बॉस, अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है तो इससे एक कॉफी पीकर दिखाओ, तब मानेंगे। कॉफी क्या? ओके अभी देखो मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूँ। स्टूडेंट जंतर में मंतर। हाय बड़े भैया। हेलो छोटी शास्त्री। ये गेटअप क्या है, तुम्हारा शर्ट क्या है, जींस क्या है, इसमें तो हाई क्लास के दिख रहे हो। नो मैं सीधा आदमी हूँ भैया। धोती निकाले तो सिंपल मामा, सिंपल भाई शर्ट निकाले तो सिंपल भैया, जींस में भी सिंपल 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 है। क्या रे सियाना है? सियाना बोले तो भाई समझे ना, महा सियाना। ऐसा क्या तू सियाना है क्या? क्या चाहिए? आइस कॉफी। नो कॉफी, क्या बोले तो वही होता है, यहाँ से गेट आउट। नो कॉफी। ओके 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 ओके, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं अपने हाथ से पी लूंगा, समझ गए? इम्पॉसिबल, मैं देखता हूँ तो कॉफी कैसे पीता है, देखता हूँ। ओके इतना दूर बैठ के कॉफी पिएगा? हाँ तो पी ना, पी, चल नाटक मत कर। अच्छा ऐसा लगता है जैसे सचमुच का पी रहा है ना, अटैक कर रहा है। ब्यूटीफुल। अच्छी है, बहुत अच्छी कॉफी है। विवेक ही इज एंजॉयिंग। हेलो गणेश महाराज की जय। सर गणेश महाराज जी। नहीं है बोलो। सर बोल रहे हैं कि बोल दो नहीं हूँ। उधर होने का बोलो, नहीं तो मुंडी काट दूंगा। सर को बोलना मुंडी काट डालूंगा ऐसा बोल रहा है। मैं हूँ बोलो। सर सर से बात करो। हेलो हेलो प्रिंसिपल। तू पढ़ाई बोलेगा तो पूरा पढ़ाऊंगा, तू ड्रामा खेलेगा तो पिक्चर दिखाऊंगा। वो नहीं है भाई। तो फिर क्या है, कल अगर तूने चंदा नहीं दिया तो मैं तुझसे लाइफ टाइम चंदा वसूल करूंगा। लाइफ टाइम चंदा यानी क्या होता है समझता है ना? देखो भाई पूछने के लिए तो चंदा होता है और डराने के लिए हफ्ता हो जाता है। तू कौन है बे जो मुझे पढ़ा रहा है? वो नहीं है भाई, करेक्ट 1 बजे आप कॉलेज में आ जाइए, चंदा मिल जाएगा। अभी तो मर्द वाली बात किया। अच्छा बता लंच टाइम में आऊं या लंच के बाद आऊं? ओके भाई। विवेक तुम्हें नहीं मालूम वो कैसे आदमी है? आप चिंता क्यों करते हैं सर,
उसको चंदा कितना देना है, कैसे देना है, ये मैं दिखाऊंगा। मेरा काम हो गया। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय बोलो गणेश महाराज की जय। चलो डार्लिंग, डार्लिंग तुम मुझे छोड़ के कहाँ जा रहे हो? मैं टेंशन में हूँ। तो मेरे पास उपाय है ना, टेंशन दूर कर दूंगी। ये पता नहीं मेरे को विवेक ने मरवा दिया आज, तो मैं मर गया। सर घबराने की कोई बात नहीं है, हम लोग है ना। टेंशन मत लीजिए सर, विवेक सर अंदर है। अरे कहाँ है तुम्हारा विवेक? आप फिकर मत कीजिए सर। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय गणेश महाराज की जय। जय बोलो गणेश महाराज की जय। जय बोलो गणेश महाराज की जय। तुम्हारा प्रिंसिपल किधर है बताओ मुझे? अत्यंत जरूरी काम से बाहर गए हैं, उनके आते ही उनको बता दूंगा कि आप पूछ रहे थे। ऐसे क्यों देख रहा है? और ये बता वो कौन है जो फोन में बड़ी बड़ी बात कर रहा था, चंदा देने के लिए बोल रहा था? भाई 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 नमस्ते, वो अंदर है लाइब्रेरी में इंतजार कर रहे हैं। अरे चंदा लाइब्रेरी में देगा या पाकिस्तान बॉर्डर में ले जाकर देगा? चल आइए पधारिए। क्या रे चिल्ला के मुझे क्यों डरा रहा है तू? भाई पेट में दर्द हो रहा है। भाई चलिए ना। चुपचाप रे खबरदार। भाई भाई चलिए चलिए चला चलिए भाई। आइए भाई आइए आइए भाई आइए, सब बंद कर दो। हाँ आइए। क्यों रे दरवाजे खिड़की क्यों बंद कर रहे हो? भाई कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं होगा ना। भाई आप रुकिए, मैं बुला के लाता हूँ भाई। जा ले क्या क्या रे? पोजीशन पोजीशन देखेगा। क्या प्लानिंग है भाई बच्चे लोगों की। माँ कसम भाई तुमसे खेलने नहीं आए, बाहर खेलने के लिए जा रहे हैं। ये सेटअप क्यों लेकर आया भाई? ये क्रिकेट सेटअप है भाई, और आपसे खेलने की हमारी हिम्मत नहीं है भाई, हम तो अंपायरिंग करेंगे भाई। पैसा कौन देगा? वे क्या रे तीन बार क्यों देख रहा है? हीरो है भाई, ऐसी हरकत करता है। हीरो है तुम विलेन हो ना, इसलिए तुम्हारी सटक गई। क्या रे हमसे टकराएगा? चंदा किधर है? पकड़ लीजिए। क्या रे भिखारी समझ के रखा है क्या? एक रुपया देता है। अरे इसमें समझना क्या है भाई? एक रुपया देता है भिखारी समझा है क्या? भाई 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 मेरे पास सिर्फ यही रुपया बचा है, मलवेच भाई आकर सारा पैसा ले गए। मलेच? मेरे एरिया में चंदा लेने वाला वो कौन होता है? मालूम नहीं भाई, पर वो यहाँ आकर मुझे खींचा। मेरे से मजाक करता है, काट डालूंगा इधर ही। भाई 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 उसने मुझे जबरदस्ती करके मुझको डराया। मैंने कहा मैं गणेश भैया को ही ये पैसे दूंगा। हाँ। तो वो बोला कुत्ते कमीने मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अगर तूने मुझे ये चंदा नहीं दिया तो। ऐसा ही बोला उसने मुझे। उसने ऐसा बोला? ऐसा ही बोला भाई उसने। वो बदमाश ऐसा बोला और तू देखता रहा? नहीं भाई, वो लंगड़ा घुमा घुमा कर मलेशिया सिटी से पढ़ा पढ़ा के छोड़ दिया और हाथ घुमा के ऐसा दिया कि उसने और यही डायलॉग वो बार बार बोल रहा था मुझसे। हाँ और बोला ये लो। ये क्या हो गया भाई? इनकी तो हड्डी टूट गई, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। और बोला घुमा के ये लो। तुम्हारी माँ का पेट फूट जाए, इसकी धुलाई करो, मेरी टांग टूट गई और तुम लोग हंस रहे हो। जय बोलो विवेक महाराज की जय। अरे बोलो विवेक महाराज की जय। उठाओ उठाओ भाई, एक फाइनल पंच। क्या है? हाथ बंद करके पावरफुल। यहाँ भूकंप कैसे आया? ये कॉलेज ऐसा है मामा जी? नहीं नहीं, प्रिंसिपल से बात करनी पड़ेगी। ए प्रिंसिपल, तुम्हारे यहाँ एडमिशन का क्या फॉर्मेलिटी है? सर
आप इस उम्र में एडमिशन लेने आए हैं, यहाँ कोई सीट नहीं है, आप जाइए यहाँ से। पियोन कहाँ है? अंकल वो आपके कॉलेज में कोई नंदू पियोन है क्या? उस नाम का तो यहाँ कोई भी नहीं है सर। डन नंदू मामा जी वो नंदू 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 वो रहा मेरा नंदू। ये नंदू नहीं है, नंदू नहीं है ये, अरे ये पीछे आ रहा है। नंदू नंदू मामा जी नंदू गया हुआ, जल्दी आइए। ये क्या हो रहा है यार, अरे पकड़ो उसको, पकड़ो। हाँ पकड़ो, अरे पकड़ो, ये पीछे ही पड़ गई। अरे नहीं नहीं मुझे उसको पकड़ना है, अरे उसको पकड़ना, पियोन पियोन भाग रहा है ना पियोन, अरे उसको पकड़ना है, उसको पकड़ना है, पकड़ो इसको। अरे पियोन को पकड़ना, मुझे क्यों पकड़ा? अरे 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 फिर मुझे अपने पकड़ो, मैं बोला ना पियोन को पकड़ना, तुम लोग किसी काम का नहीं हो यार। अरे यार इसे पकड़ो यार, अरे पकड़ लिया। क्या बात है, मुझे बाहों में पकड़ लिया, फर्स्ट टाइम पकड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मामा जी क्या कर रहे हैं आप? हाँ कुछ नहीं भांजी, कुछ नहीं। मामा जी नहीं नहीं मैं तो उसको पकड़ा हूँ पियोन। अरे अरे मेरी रक्षा कर यार, इसे मैं इधर, इसे 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 इधर मत आने दे, जा 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 जल्दी जा। पियोन नहीं भाग सकता बाबा, मैं थक गया, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे से नहीं भागा जा रहा। अभी उसको पकड़ने के लिए बाद में कोशिश करेंगे, समझ गई ना तू? हंसते हंसते मेरा पेट फट जाएगा। अरे ऐसी कौन सी बात होगी जो इतना हंस रहे हो, मुझे भी तो बताओ। भाई ने कॉलेज में प्रिंसिपल की जान बचाई, इसलिए भाई को स्टाफ और प्रिंसिपल बहुत पसंद करने लगे माँ। अरे हमारे विवेक भैया ने तो कॉलेज में धमाल कर दिया आंटी। हाँ बहुत खुश की आंटी, बात है। इसी खुशी में बढ़िया कॉफी हो जाए। कॉफी क्यों, आज सबको खाना भी मिलेगा, सब हाथ धो के आ जाओ, हम मिलकर खाते हैं। ये गेटअप तुम्हें बहुत सूट कर रहे हैं, तुम तो असली सरदार लग रहे हो। लेकिन मामा जी ये दाढ़ी मुझे चुभ रही है, मुझे गेटअप की छोड़िए ना, कहाँ है। उखाड़ मत देना, उखाड़ मत देना, अभी कुछ देर ऐसा रहना है हमें, हमारी मकसद से जब तक कामयाबी नहीं मामा जी, वो देखो नंदू। क्यों इसे धक्का देकर ला रहे हो? क्या करूँ, बहुत परेशान हो गया हूँ, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं है, पैदल आता हूँ तो स्टूडेंट्स इज्जत नहीं करते, क्या करूँ। चार आदमी को चलाने वाले आप, चल के आना अच्छा नहीं लगता। ये लीजिए कुछ रुपए रख लीजिए। नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं, मेरी बहन के ट्यूशन की फीस है सर। हाँ सर मैं हर महीने देता रहूंगा, इस पैसे से सर गाड़ी में पेट्रोल डलवा लीजिएगा प्लीज। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया ना, फिर भी तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो। सर इसमें परेशानी की क्या बात है सर, एक इंसान अगर दूसरे के काम ना आ सके तो बेकार है। तुम्हारे विचार कितने नेक है। चलिए सर। भाजी तुम्हारी चाय सुपर है, इसके हीरो वाली हर क्वालिटी है, अच्छा इंसान भी है। अपने भांजी पे भरोसा रखिए, आगे आगे देखिए मेरा नंदू क्या करता है। ठीक है वो भी देख लेंगे, चलो चलो आगे चलो। कैच, सुनो बॉल को सही तरीके से पकड़ो, उसके बाद ऐसे जंप करके थ्रो करो, कम ऑन डू इट। हे व्हाट इज दिस, ए बॉल फेंकने का ये सही तरीका नहीं है, सही तरीके से कैसे थ्रो किया जाता है वो अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं तुम्हें उठाता हूँ और तुम थ्रो करो। हाँ ये क्या कर रहे हैं सर? ए शाम को अकेली आ जाया करो, मैं तुम्हें प्रैक्टिस में जंपिंग प्रैक्टिस सिखाता हूँ। अरे ए पियोन तुम इस प्लेग्राउंड में क्या कर रहे हो? तुम इस प्लेग्राउंड में पीडी टीचर की आड़ में रोमांस प्रैक्टिस कर रहे हो? ये पियोन का काम नहीं है, पीडी का जॉब है। पीडी पीडी मतलब
पीडी, पीडी मींस फिजिकल डायरेक्टर। फिजिकल डायरेक्टर होकर ऐसा गंदा काम मत करो। आफ्टर ऑल तुम एक पियोन हो, तुम्हें स्पोर्ट्स के बारे में क्या मालूम है? स्पोर्ट्स, एस फॉर सेनेटरी, पी फॉर प्रैक्टिस, ओ फॉर ओबिडेंस, आर फॉर रिस्ट्रिक्ट, टी फॉर टीम वर्क। This is the sports. डायलॉग मारने से नहीं होता, काम करना पड़ता है। तुम्हारे जैसे आदमी की वजह से स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इस फील्ड में लड़कियां तुम जैसों की वजह से नहीं आ रही। मुझे सिखाता है? एक कंप्लेंट करूंगा कॉलेज से सस्पेंड हो जाएगा। ये काम तो बहुत पहले कर देना चाहिए। थैंक यू मैडम। तुम कौन होती हो मुझे सस्पेंड करने में? मुझे पहचाना सर आप? From this time he was suspended and he is appointed as a PD. ये तू कौन होता है मुझे सस्पेंड करने वाला? मैं खुद रिजाइन करता हूँ। मैं देखता हूँ तो इस कॉलेज को कैसे चैंपियनशिप जितवाता है। तुम अपनी बकवास बंद करो। यू गेट आउट। गुड बाय। यू बैड बॉय। गेट आउट। क्या सेटिंग की है सर, आपको हैट्स ऑफ। अगर इस तरह की सेटिंग फिल्म में होती तो आप हीरो बन सकते थे। अंकल ये सब इसलिए कर रहे हैं कि नंदू से मिलना है। तुम्हारी टैलेंट को देखकर कोई भी तुम पर लट्टू हो जाएगा, इसीलिए तुम्हें इस कॉलेज में पीडी के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। डियर स्टाफ, विवेक को आज से इस कॉलेज का पीडी अपॉइंट किया है। पीडी क्या? पीडी नहीं भाई, पीडी, पीडी समझी तुम? पीडी कहाँ से ट्रांसफर हो गया है सर? कहीं से नहीं, अपने कॉलेज का पियोन पीडी अपॉइंट किया गया है। मिस्टर विवेक प्लीज वेलकम हिम। अरे विवेक तुम हो। मुझे पहले से मालूम था तुम प्रमोशन लेकर रहोगे। क्योंकि तुम्हारे दिल में इमोशन। बेस्ट ऑफ लक मिस्टर पीडी। एक्सक्यूज मी, यस पीडी नहीं, पीडी। ऑल द बेस्ट मिस्टर पीडी। भाई कोई आवाज भी तो सुनाओ। भाई ये पियोन जब से कॉलेज में आया है ना, सबकी बोलती बंद कर दी है, सब स्टूडेंट्स को अपने बस में कर लिया। वो बस में करे तो तुम्हें उसे पीछे हटाना चाहिए, वो मैजिक किया तो तुम्हें लॉजिक से काम लेना चाहिए, वो प्लास्टर कराया तो तुम्हें फिटिंग कराना चाहिए। आइंदा से मैं उसके ऊपर एक नजर रखूंगा भाई। दोनों नजर से काम लो। कमान पंच सर। हाँ सर। कमान पंच सर। ध्यान सर, ध्यान दो सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। कमॉन कमॉन, यस कमॉन कमॉन पंच, कमॉन पंच, यस। धीरज धीरज, व्हाट हैपेंड? दिमाग काम नहीं कर रहा। नो कॉन्सेंट्रेशन। कॉलेज के लिए तुम्हें ये ट्रॉफी जीतनी होगी। तुम प्रेम में पड़ चुके हो। नो सर। यस तुम प्रेम में पड़ चुके हो। गेट अप, गेट अप आई से, गेट अप। I'm sorry sir. Sorry? Why sorry? What sorry? Look धीरज, क्रोध पाप दुख आवेश आलोचना यही प्रेम है। सभी मनुष्य में ऐसे ही गुण होते हैं। जीवन में ही प्रेम है। Yes sir. प्रेमिका में जीवन नहीं है। समझे? प्यार के लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ सर। प्रेम मतलब प्रेम में जीना होता है, प्रेम में मरना नहीं होता है। प्रेम को अंतिम समय तक निभाना चाहिए। गॉट इट? अगर आपने लक्ष्य सही साधा है तो आप जरूर जीतेंगे, वो चाहे प्रेम हो या स्पोर्ट्स। तुम्हारा लक्ष्य पूरा होने पर तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगा, तुम्हारी प्रेमिका के साथ। इट्स अ प्रॉमिस। ये विवेक का वादा है, मरते दम तक नहीं बदल सकता। बट तुम भी एक वादा करो कि कॉलेज की चैंपियनशिप जीतोगे। प्रॉमिस। यस सर। गुड स्वाति, ऑल द बेस्ट। श्वेता इधर सुनो, लेट क्यों हुआ? डैडी आज ना स्पेशल क्लास था। हाँ स्पेशल क्लास था डैडी। क्लास मिस हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन स्पेशल क्लास मिस नहीं होना चाहिए। यहाँ पे किसका इंतजार हो रहा है? स्वाति और धीरज के प्यार के बारे में उसकी डैडी को पता चल गया है। स्वाति आज कॉलेज आती है या नहीं, इसीलिए हम इंतजार कर रहे हैं। ला 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 ला।
करो तुम भी, तू आए हम सबकी तुम्हारे लिए, तुमसे जुड़ी सबकी अभिलाषा, ये 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 नहीं है लग जंग की ये भाषा। संभलना होगा तुमको, निराश न करना हम सबको, लेते लेते तुम्हें जीतना, आशा कभी न खोना, किसी का नाम है जीना, ये जान लो कुछ नहीं संग्राम बिना, चाहे सपना कुछ भी देखो उसे सच करना भी सीखो, तब करेगा तुम्हें सलाम ये सारा जहां। अपना कर्म निभाना, लक्ष्य से चूक न जाना, जान की बाजी लगा के तुमको है लड़ना, मन में ये ठानो तुम्हें जीतना होगा, मन में ये ठानो लक्ष्य पाना ही होगा। बहुत अच्छा दिन है, आज के दिन कॉलेज के चैंपियनशिप जीतने वाला कॉलेज का हीरो धीरज है। मुझसे भी एक वादा किया था धीरज ने, और उसने वो कर दिखाया। मैंने भी धीरज से एक वादा किया था, और वो वादा वो क्या है मैं जरूर निभाऊंगा, और उसके बारे में झंडा रोहण के दिन ही पूरा बताऊंगा। तब तक ये राज राज ही रहेगा।
यस्यामला मातरम् वंदे मातरम्। Don't worry, he's safe. Thank you, doctor. मैंने क्या Thank किया? You. सब ऊपर वाले की कृपा है. God is great. Thank you. बाबू विवेक, पहले तुमने मेरे बेटे को चैंपियन बनाया और आज उसकी जान बचाई. मैं ये तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा बाबू? धीरज को जिताने और बचाने का काम मैंने नहीं, उसके प्रेम ने किया है. यस सर, स्वाति और धीरज एक दूसरे से प्यार करते हैं. उसके प्यार ने ही धीरज को बचा लिया. सर, दोनों की शादी करा के एक कर दीजिए. आ जाओ. जीती रहो. भाई, पहले उसने हमारे आदमियों को बस स्टैंड पर मारा और फिर धीरज को भी उसी ने बचाया. वो और कोई नहीं, कल का पियोन, आज का फिजिकल डायरेक्टर, नाम है विवेक. जो मेरे दुश्मन को बचाया वो भी मेरा ही दुश्मन है. अरे सब जानते हो, अभी तुम लोग खामोश हो. जाओ उठा दो उसे, सुबह होने तक उसका काम खत्म कर दो.
स्फटिकाकृतिम् ओम वेंकटेश्वराय नमः, ओम श्रीनिवासाय नमः, ओम लक्ष्मीपति नमः। आंखें नहीं है क्या? ये कितने का है? इडियट। आइटम अच्छी है ना? ये लीजिए बहन जी। नमस्ते जमींदार साहब। जमीन गए बहुत दिन हो गए, अब मैं कैसा जमींदार? ये लीजिए। इसके नाम पर? भगवान के नाम पर। है क्या? वशिष्ठ गोत्र भवतिया गणपति रमानाम देवया धर्मोपतिन्यानाम सकुटुंबो नाम एवं सोगर तदनाय पुण्याम गरस्यति। ओम नमः वेंकटेश्वराय नमः। ये क्या है, आपने मेरे नाम पर पूजा क्यों किया? मेरे पिताजी आपके दिए जगह में श्लोकों की पढ़ाई करवा रहे हैं। मैंने उसी कॉलेज में पढ़ाई किया और आपके मंदिर में पुजारी का काम कर रहा हूँ। हमारे भगवान तो आप हैं, आप नहीं होते तो भगवान भी नहीं। ये सब आपकी अच्छाई है। आरती लीजिए। मजा आ रहा है ना? अरे ये कामेश भाई का होटल है ना? अरे कामेश, दो अच्छी कॉफी बनाकर तो दो। यहाँ की कॉफी हमेशा अच्छी होती है क्योंकि ये कामेश का होटल है, तुम्हें मालूम है ना? क्या करें, आदमी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ती है। निकलो, बैठो। पापा प्रसाद। अभी नहीं, पहले बोनी तो होने दो। पंडित फिर उधारी। अभी मुझे अर्जेंट में एक पूजा करनी है। पूजा क्या है, मुझे सब मालूम है। अभी कितना होना चाहिए? ठीक है, मुझे मालूम है, अभी 200 ले ले, बाकी बाद में हो जाएगा। ठीक है रामेश्वर, मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मुझे तुम्हारे अंदर मंदिर का भगवान नजर आता है। बाकी पैसा नहीं दिया तो भगवान नहीं दिखेगा, अभी बता दे रहा हूँ, मैं दिखूंगा मैं। हाँ देख लेना। नाराज क्यों हो रहे हो? तुम्हारा एक एक पैसा ब्याज समेत लौटाऊंगा, सब एक साथ दे दूंगा। ए, उधर देख। एक बार कान में उंगली किया था, कुछ बोला ही नहीं।
अभी दूसरी बार किया, जवाब ही नहीं दिया, अभी तीसरी बार है। अरे क्यों परेशान कर रहा है? अरे यार ये लास्ट वीक का पेपर है। कमिश्नर ये आज का पेपर है क्या? अरे कमेश आज का पेपर लेके आओ यार। अरे खरीदने के पैसे होने चाहिए ना। अरे मामा हम लोगों को भी कॉफी शॉप में पिलाओ यार। हाँ हाँ विवेक को तो आने दो। अरे ये लो आ गया। अरे मैं आ गया आ गया। अस्सलाम वालेकुम भैया। अस्सलाम वालेकुम। विवेक बैठो। हेलो नमस्कार। नमस्कार विवेक बेटा, तुम्हारे मुंह से एक अच्छा श्लोक सुनने पर मेरे दिल को बड़ा अच्छा लगता है। अब जल्दी से एक अच्छा सा श्लोक सुना दो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। काली काली के परमेश्वरी सर्वनंदे करे देवी नारायणी नमस्तुते क्या मुंडे मुंड मालिनी आयुर आरोग्य देवी देहिंग सृष्टि स्थिति विनाशानंग शक्ति भूते सनातने गुणाश्रय गुणमयी नारायणी नमस्तुते नमस्तुते नमस्तुते। आह ये श्लोक सुन के तो मेरा दिल खुश हो गया। आह ये लो। तेरी कॉफी बड़ी है मस्त मस्त। विवेक आज भैया ने बहुत अच्छी कॉफी बनाई है। एकदम सुपर। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। झलक दिखला जा। एक बार आजा। रुक। आप लोग जरा साइड हो जाइए। क्या रे बहुत चर्बी चढ़ी है, बहुत हीरो बन रहे है क्या? गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। ये आदमी तो महान है, बिल्कुल परशुराम की तरह लड़ता है। ये बात जब मैं इसके पिताजी के कान में डालूंगा तभी मुझे शांति मिलेगी। पापा प्रसाद। चुप। जब देखो जब प्रसाद प्रसाद करते रहता है। चुप। इस समय मेरा बेटा सबके सामने हीरो बन रहा है। तुम्हें अभी पता चला? वो तो शुरू से हीरो है। हाँ, लोगों को जानवरों की तरह मारकर वो कैसे हीरो बनता है मैं देखता हूँ। मतलब जानवर पर हाथ उठाने वाला समझा है? अरे वो गलत किया तो मैंने उसे मारा। आदमी को तो नहीं दिखा सकते, जानवर को तो दिखा सकते। इसका मतलब मैं क्यों ऐसे क्यों देख रही हो? क्या काम है बोलो ना। मैं सोच रहा हूँ तुम्हारा बेटा भी किसी से कम नहीं है, पहले तो उसका हाथ और पांव बांधना चाहिए। पापा भैया को ऐसा मत। मुझे मालूम है मुझे क्या करना चाहिए। नमस्कार जमींदार साहब। नमस्कार नमस्कार, आइए बैठिए। ये है मेरा बेटा सिद्धार्थ। नमस्ते। कैलिफोर्निया से फिजिशियन करके आया है। बाकी आगे तुम बताओ। जी मैं ये कहना चाहता था कि पंडित के स्कूल में। स्कूल में? हाँ पंडित के स्कूल में न्यू टेक्नोलॉजी लगाने के लिए जगह चाहिए। अगर वो जगह मिल जाए तो हम न्यू टेक्नोलॉजी शुरू कर सकते हैं और काफी गांव वालों को उससे काम मिलेगा। अब आगे आप बताइए। अगर वो स्कूल वाली जगह मिल जाए तो गांव वालों को बहुत सारा काम मिल सकता है, ये मेरी गारंटी, आप फिक्र मत कीजिए। मैं कह रहा हूँ ना। देखिए रामास्वामी जी, वेद स्कूल को हमारे दादा परदादा ने जगह दी थी, हम वो जगह नहीं दे सकते वो जगह। आपको कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं दूंगा। एक स्क्वायर फीट का 10,000। डैड मुझे लगता है ये खोसट जमींदार हमें देने वाला नहीं है। अरे ये कैलिफ्लावर, अरे नहीं कैलिफोर्निया, ये स्विमिंग पूल देखा है ना, हमेशा इसमें स्विमिंग करने आता। चल देखो भाई कामेश, ये तुमने पैसा दिया था ना, ये लौटा रहा हूँ ब्याज समेत, रख लो। पैसा वापस कर दिया, लगता है बहुत बड़ी डील हुई है। हाँ भाई डील हुई है। लो शानदार कॉफी बनाई है, पी लो, मैं अभी आता हूँ। बड़े भारी हैं दोनों। अरे कामेश मैंने तो तुम्हें एक ही बर्तन दिया था, तुम मुझे दो बर्तन क्यों दे रहे हो? तुम्हारे बर्तन का एक बच्चा हुआ है। ऐसा मेरे पास चांदी का भी है, अगर मुझे पता होता तो मैं वो लेकर आता। हाँ? इस बार तो हो गई मिस्टेक। अगली बार तो चांदी का लेकर आऊंगा। जा रहा हूँ, फिर कभी आऊँ। दूसरी बार आना तो चांदी लेके जाना। अरे चांदी की क्या बात करते हो, पूरा पहाड़ ले आऊंगा। पापा प्रसाद। क्या प्रसाद प्रसाद करता है ये ले। हाँ। क्यों तोड़े हो? वो गोदावरी नदी का वेद स्कूल है ना, उस पर रामास्वामी और उसके बेटे की नजर है। उधर उस स्कूल की जगह में नई टेक्नोलॉजी डालने के लिए रामास्वामी और उसका लड़का मेरे घर पे आया था उस जगह की मांग को लेकर। वो मंदिर को तोड़कर मूर्ति को वहां से हटाना चाहता है,
देखो भाई, उस पवित्र स्थान को कोई हाथ नहीं लगाने पाए, उस स्कूल पर भी आंच नहीं आनी चाहिए। वो जगह तुम्हारी है, शुभ मुहूर्त देखकर वो जगह तुम्हारे नाम कर दूंगा, ठीक है? मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे को कायम रख सकूं। कहाँ है तेरा विवेक? बुला उसको, तेरा और विवेक का बच्चा वो दादागिरी दिखाता है, बहुत दादा बनता है, भाई बनता है ना वो, हैं? बुला। कल तुम्हारे आदमी को मैंने मारा तो तुम बेगुनाह को क्यों मार रहे हो? दम है तो मुझे मारो। मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, समथिंग डिफरेंस। तुमने मेरे आदमी को मारा, अब मैं तुमसे खेलने आया हूं। बेटा विवेक, जय जनकर, जय जनकर, जय जनकर, जय जय जनक, जय जय जनकर, जय जनकर, जय जनकर, 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 जय जनकर।
मार गए क्या? जय जनकर, जय जनकर, जय जनकर, जय। बाहर जाने से पहले बताना चाहिए ना। हम नहीं, सिर्फ तुम जा रहे हो। मैं जा रहा हूँ। हाँ, सिर्फ तुम। क्यों? अभी क्यों जा रहे हो? शिवरात्रि को तो काफी दिन है। मालूम है, लेकिन मैं फिर भी भेज रहा हूँ। यहाँ मारपीट करने के लिए नहीं बोला था। वहां कम से कम सुकून से तो रहेगा। मगर मेरी गलती क्या है? पिताजी इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हैं? असल में तू करना क्या चाहता है? तू पंडित है या गली का गुंडा? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये मैं नहीं, सभी बोल रहे हैं। विवेक, क्या बात है? क्या बात है, मुझे सच बताओ। गलत किया है, इसीलिए तो सर झुकाए खड़ा है। देखिए पिताजी, आप सच नहीं जानते। माँ जानने की कोशिश की, इसीलिए मैंने सर झुकाया। ये सब तेरा नाटक है। तू क्या अपने आप को श्री कृष्ण भगवान समझता है? अगर सब लोग ऐसा कह रहे हैं तो क्या मुझे सुनकर अच्छा लगेगा? हैं? क्या तुम पंडित के बेटे हो और मेरी बात की तुमने कभी फिक्र नहीं की? हैं? छी, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता। क्यों माँ, पिताजी मुझे अपना दुश्मन क्यों समझते हैं? बताओ माँ। माँ, अगर मैं मंदिर में बैठकर कुछ गलत काम करता तो लोग सही समझते हैं, और अगर मैं सही काम करने जा रहा हूँ तो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, गली का गुंडा बता रहे हैं। कोई ऐसे ही कुछ बोलेगा मुझे? मेरे ऊपर कोई अगर ऐसा आक्षेप लगाएगा तो मैं क्या शांत रहूंगा माँ? मैं भी तो बोलूंगा ना। आखिरकार पिताजी सच्चाई को क्यों नहीं समझते हैं? हमेशा मुझे ही वो गलत समझते रहते हैं। ये गांव वाले हमेशा मुझ पर शक करते रहते हैं। माँ, मैं कब तक शांत रहूंगा माँ? गांव की बात नहीं, मेरा पेट तेरी बातों से भर गया। माँ, धर्म संस्था पनार्थाय सम्मवामी युगे युगे। ए बगल हट। श्री कृष्ण के कर्म पर जिस तरह लोग पूजा करते हैं, फक्र करते हैं, उसी तरह मैं चाहता हूं कि मेरे बेटे पर भी लोग फक्र करें। चलो। भैया, पिताजी आज बहुत गुस्से में लगते हैं, कुछ करना पड़ेगा। रात में देखेंगे। घर में कुछ बोलता नहीं है, जो मिलता है वो खा लेता है, हमेशा चुप रहता है। ऐसे लड़के को तुम श्रीशैलम भेज रहे हो, अगर वहां जाके रह गया तो? मैं उसे हमेशा के लिए उसे नहीं भेज रहा हूँ भाग्यवान। यहाँ से निकल जाएगा तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी। अगर वो वहाँ के माहौल में रम गया और वापस नहीं आया तो मेरा क्या होगा? ये बात तुमने मुझे पहले बताया होता तो उसके लिए मैं कुछ और सोचता। हाँ, तुम्हारे सामने तो वो हंसने से भी डरता है, तो फिर कुछ कहेगा कैसे? अच्छा सुनो, एक बात बताओ, जाते वक्त तू बहुत गुस्से में था क्या? और नहीं तो क्या, बहुत खुशी से गया है ना वो, तुमने जो अच्छी तरह से बात करके भेजी है। पिताजी, भैया कभी घर पर लौट के नहीं आएंगे। तुम्हारे भैया बहुत गुस्से में गए हैं? हाँ, वो बहुत दुखी मन से गए हैं। वो कहते हैं कि पिताजी हमेशा मुझे दुश्मन समझते हैं, वो कभी नहीं समझते, इसीलिए मैं हमेशा के लिए जा रहा हूँ। हे भगवान, मैंने हमेशा मन से तुम्हारी पूजा अर्चना की है और आज उसका फल मुझे ये मिला कि अब मेरा बेटा भी मुझे अपना दुश्मन समझने लगा है। देखो भगवान, अगर 24 घंटे के अंदर मेरा बेटा वापस नहीं आया ना, तो मेरा विश्वास तुम पर से हमेशा के लिए उठ जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ अच्छा नाटक किया, लेकिन ये मजाक अच्छा लगा। बेटा तू समाज सेवक बन बेटा, समाज का दुश्मन नहीं। मैंने जो सोचा तेरे बारे में, मेरे सपने को साकार कर बेटा। एक बार मैं बहुत अकेला हूं बेटा, मेरी जिंदगी में रंग भर दे। सच की राहों पे चलने वालों को सच की रोशनी मिली। ये लो कामेश, तुम्हारा असल और सूट, अब मेरा सोना और उसकी बेटी दोनों दे दो, मैं लेकर जाऊंगा। मैं कहां से लाऊंगा सोना, कल रात में खून की उल्टी करके तुम्हारा सोना और उसकी बेटी दोनों मर गए। मर गए? क्या बोल रहे हो? उसकी लाश ही दे दो, उसका शरीर बचाएगा। जब तुम जुआ खेल रहे थे तो मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। चलो उसकी राख लेके मेरा पैसा दे दो। ये अन्याय है कामेश, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बाबूजी, अब आप लोग ही मेरे साथ इंसाफ कीजिए। बाबूजी कर दे इंसाफ। हाँ मैं बताता हूँ, आप जब पिछली बार आए थे तो चांदी की पेटी लेके गया था, तो अभी जब राख की पेटी मिल रहा है क्यों चिल्ला रहे हो भाई? मेरी मत मारी गई थी जो मैंने इसके यहाँ सोना रख दिया। ये तो जंगल राज चल रहा है, यहाँ कोई कानून नहीं है कोई भी। यार अब ना मैं कभी जुआ खेलूंगा ना कोई सामान गिरवी रखूंगा। प्रसाद 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 जब देखो प्रसाद प्रसाद ले प्रसाद लो, पंडित चला गया, कॉफी पी लो। कॉफी ला कमेश, तुझे भी मानना पड़ेगा, क्या दिमाग लगाता है, क्या बात है। वो सोना उसकी बीवी के पास बिल्कुल सही सलामत है, उसका जुआ बंद कराने के लिए मैंने विवेक के कहने पे किया। वाह क्या बात है, आपको तो फिल्मों में हीरो का काम करना चाहिए। मैं फिल्मों में चला गया तो तुम्हें कॉफी कौन पिलाएगा? अरे विवेक भाई आने वाला है, आ गया आ गया आ गया। अरे गाड़ी रोको रोको, अरे अरे रोक, अरे क्या हो गया, अब क्या होगा, क्या हो गया, क्या क्या हो गया पाशा, ये कैसे हुआ पाशा, पाशा 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 पाशा, ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई पाशा 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 पाशा, बोलना। तुम कभी वापस नहीं आने के लिए परलोक जा रहे हो। सभी अपने दोस्तों परिवार एवं रिश्तेदारों को छोड़कर सभी की आंखें नम हैं। तुम्हारी यादों को संजोकर हम लोग रखेंगे, कभी भी नहीं बुला सकेंगे, कभी नहीं बुला सकेंगे। तुम्हारी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तुम्हारा बिताया हुआ वो पल पाशा हमेशा याद रहेगा। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, क्या बात है सर? ये उनकी माँ और ये बहन। मालूम है, नाम रश्मीना बेगम, एमकॉम, वो हमारे ऑफिस में काम करता था, लॉरी एक्सीडेंट में मारा गया। मोहम्मद पाशा उसी की बहन है ना ये, करेक्ट? यस सर। उसके भाई की नौकरी सर। वो उसके भाई की नौकरी इसकी बहन को नहीं मिल सकती, समझ गए ना सर? मेरी बेटी की जगह किसी भी तरह मेरी बेटी को नौकरी दे दीजिए। मैं कैसा आदमी हूँ आप लोगों को डिटेल में पता होना चाहिए। मैं बिस्लरी पानी की जगह ये मामूली सा प्लेन वाटर पीता हूँ। मैं एसी ऑफिस में रह सकता हूँ लेकिन मैं इस पंखे के नीचे रहता हूँ। मैं गांव जाने के लिए रिजर्वेशन में नहीं मामूली सी जनरल बोगी में जाता हूँ। तुम लोगों को आसानी से समझा रहा हूँ, तुम लोगों को समझना चाहिए। समझ गया, तुम्हें एक नहीं 10 तरीके से भी रिश्वत दे सकता हूँ मैं। गरम, ठंडा, सूखा, गीला, पेट भर के मिलेगा। मेरा हाथ प्लेट के नीचे दबा है, ये कैसे निकालना है मुझे मालूम है। गवर्नमेंट जॉब कैसे हासिल होती है ये भी हमें अच्छी तरीके से मालूम है। ओ क्या बात है, बस 3 लाख। मुझे मालूम है कि तुझ जैसे कुत्ते कमीने को सबक कैसे सिखाया जाता है। तुझे शर्म आनी चाहिए रिश्वतखोर। अरे मुझे मुझे क्यों पूछ रहे हो, मेरा कॉलर क्यों पकड़ रहे हो,
मैं क्या कर रहा हूँ जो मुझे मार रहे हो? अरे नाली में रहने वाले नाली के कीड़े, आप इसको छोड़िए मत सर, ये रिश्वतखोर है। इसने मुझसे पैसे मांगे तो मैंने अपने मंगलसूत्र गिरवी रख के इसे पैसे दिए, और मुझे नौकरी दिलाने के लिए इसने मुझसे 5 लाख रुपए की रिश्वत ली थी सर। तुझे तेरे गुनाहों की सजा बिल्कुल मिलेगी। इस दरिंदे की हत्या नहीं हुई है सर, इसने खुदकुशी की है सर। इस युग के रावण का अंत हुआ है सर। हाँ, अंत हुआ है। आप फिक्र मत करो, हम आपके साथ हैं, लोक कल्याण के लिए है। मैं इसी की वजह से अपाहिज हुआ हूँ। किसने की इसकी हत्या? सर मैनेजर की हत्या नहीं हुई है, इसने ऊपर से खुद की आत्महत्या की है। हम गवाही देंगे सर। सर ये हत्या नहीं आत्महत्या है, किधर साइन करना है बोलिए, हम साइन करेंगे सर। और हां प्रसाद, यस सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। पंडित ये लोग तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ओम राजाधिराजाय देवाधिदेव देवाय। नमो माताजी, गजब हो गया। विष्णु, तुम्हारे बेटे, मेरे बेटे को नहीं, आपके बेटे ने ऑफिसर भीमा शंकर को गला दबाकर बिल्डिंग के नीचे फेंक दिया। नमो ब्रह्माय नमो विष्णु। सच कह रहे हो? सच को झूठ साबित करके तुम्हारा बेटा आज बच गया। मैं बिल्कुल सच कहता हूँ माताजी, मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ। आज तो वो जनता के कारण पुलिस से बच गया, आगे ऐसा हुआ तो फिर वो नहीं बचेगा, मैं भगवत गीता की कसम खाकर कहता हूँ। बच्चों आगे की पढ़ाई कल होगी, आज के लिए छुट्टी। अब इन बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हो? तुम्हारा बेटा वेद का पंडित नहीं है, खूनी पंडित है। वो तो आ गया, यहाँ से निकल, नहीं तो अभी मेरा भी खून हो जाएगा और तेरा भी। चल पापा प्रसाद। प्रसाद चुप चुप, जब देखो जब प्रसाद करता रहता है। अगर आज इसने घर में कदम रखा तो मेरी मृत्यु निश्चित है। इंसान को दो तरह से मरने की इच्छा होती है, एक भगवान से मरने की इच्छा होती है और दूसरी बुढ़ापे से, तभी इंसान पूर्ण होता है। रोग शोक से मरना तो इंसानी हकीकत है, लेकिन तुम आज जो मौत मुझे दे रहे हो यह पूरा हिंसा है, अहिंसा नहीं। और आज समझो कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। देखिए जी, आज श्रावण का शुक्रवार है, आज सभी पत्नियां अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। मैं भी अपने सौभाग्य की लंबी उम्र चाहती हूँ। आपको कसम है, अगर आपने अशुभ कुछ कहा तो, अगर आपको कुछ हो गया तो आप सोचे मेरा क्या होगा। मैं नहीं तुम्हारा बेटा कर रहा है, वो दूसरों की हत्या कर रहा है और समाज से हमें दूर कर रहा है। अरे अरे आप ऐसा मत बोलिए, बच्चा है सुधर जाएगा। देखिए उस पर नाराज मत होइए, थोड़ा वक्त दीजिए, आपको मेरी कसम, आप मेरी बात मानेंगे ना? मेरी जान बचाने के लिए उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा, क्या उसे मंजूर है? विवेक, तुम्हारे पिताजी जो बोल रहे हो वो सच है क्या? बोलो ना, तुम चुप क्यों हो, क्यों बोलते नहीं हो? माँ, देख पहले मेरे गले में मंगलसूत्र है, बाद में तुम हो। हर पत्नी यही चाहती है कि गले में मंगलसूत्र पहन के इसकी मौत हो। क्या तू मुझे जीते जी मारना चाहता है? हाँ, तुम मुझे विधवा करना चाहता है मेरे मंगलसूत्रों को? देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जो वो कह रहे उसके बाद मान ले।
विवेक, विवेक। हाँ? ये क्या बेटा, रात भर इस टेबल पर सोई थी क्या? कोई तकलीफ है क्या बेटा? घर से मुझे निकाल दिया गया है, अब मेरा कोई नहीं है, मैं अब अकेला हो गया हूँ, एकदम अकेला हो गया हूँ। अरे आप यहाँ हो, हम सब लोग आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मुझे ये लोग तुमसे मिलने आए विवेक। इतने लोगों से क्या लेना देना? आज से हम आपको अपने पार्टी का नेता चुनते हैं। विवेक हमारे लीडर है। हाँ विवेक, समय का सदुपयोग करो। तुम हम सब की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, साथ रह के हर मामले में इंसाफ कर सकते हो, तुम में समाज को सुधारने की ताकत है, तुम्हें वो टैलेंट है जिस पे हम सबको विश्वास है, तुम में ताकत है और लक्ष्य भी है और हम सबका विश्वास भी है। प्लीज मुझे छोड़ दो। दिल से जब दिल मिले हैं तो फिर जान की है किसको परवाह, यहाँ पे प्रगति गया थम सा भाइयों, प्रतिदिन है प्रगति का, बिना तैयारी के कुछ कर गुजरना जानो है बस असंभव सा, असंभव सा। दिल में रहते हो सिर्फ तुम ही, सबके आदर्श बस हो तुम ही, माता तुम ही, पिता तुम ही, देव तुम ही, देवालय हो यहाँ। फर्ज का है जानो कर्ज हम पे, तुम कभी भी ये न भूलना, नीत नियमों का पालन हो, इसके बिना सारा जग है अंधेरा, ये सब माने बिना तैयारियों का मतलब है क्या, असंभव सा। जीना तुम बिना और जी के यहाँ पर लोगों को क्या करना, ओए हर घर में झांक लो, महाभारत रामायण है तुमसे जुड़ा, अन्याय इस धरती में आगे ना रह पाएगा, सच का गला पकड़ कर कोई ना मर पाएगा, आप सबसे मिलके यूं ही तुम चलते रहना, एक पल ना है कम है वो, देखो ना वो, हम सब है इतने खुश है, तुम है पाके अपने बीच मानो ये, अरे रे हम सब है इतने खुश है, तुम है पाके अपने बीच मानो ये। जीना तुम बिना और जी के यहाँ पर लोगों को क्या करना, ओए हर घर में झांक लो, महाभारत रामायण है तुमसे जुड़ा, अन्याय इस धरती में आगे ना रह पाएगा, सच का गला पकड़ कर कोई ना मर पाएगा, आप सबसे मिलके यूं ही तुम चलते रहना, एक पल ना है कम है वो, देखो ना वो, हम सब है इतने खुश है, तुम है पाके अपने बीच मानो ये, अरे रे हम सब है इतने खुश है, तुम है पाके अपने बीच मानो ये। हे दिल हो तुम ही, आस हो तुम ही, सांस हो तुम ही, हो सबकी जान, अरे रे दिल में रहते हो सिर्फ तुम ही, सबके आदर्श बस हो तुम ही, माता तुम्हें।
तुम ही सांस हो, तुम ही हो सबकी जान, जान। क्या जमींदार साहब, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? जिस जमीन के पीछे तू पड़ा है वेद पाठशाला के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करा कर आ रहा। क्या बकवास है, तुम पागल हो गए हो क्या? एक एक स्क्वायर फीट की कीमत जानते हो? उस जगह की कीमत पर स्क्वायर फीट 100 रुपए से ज्यादा नहीं है, और मैं तुम्हें 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट दे रहा हूँ। मैंने इतना कहा उसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, और उस पंडित के नाम पर रजिस्ट्रेशन करा। अब सब कुछ हो चुका है, तुम कुछ नहीं कर सकते। रुको, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जमींदार साहब, तुमने सिर्फ अभी अपना साइन किया है और पीछे से कागज मेरे हाथ में आ गए। तुम एक और साइन कर देते तो सारे डॉक्यूमेंट मेरे नाम हो जाते। तुम्हें कितना पैसा चाहिए बोलो, मैं देता हूँ। अगर मुझे पैसा चाहिए होता तो मैंने स्कूल को जमीन फ्री में नहीं दिया होता, समझा? मैं मर भी गया तो कागज पर साइन नहीं करूंगा। ए, छोड़ना मत इसे। चलो रे। बचाओ। पवान प्रजावान पशुमान भवती एवं वेद योपामायतनं वेद। बचाओ बचाओ बचाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मत मारो मत मारो, इन्हें क्यों मार रहे हैं आप? माँ, तुम्हारे पिताजी, 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 मत मारो इसे, पिताजी, मत मारो, मैं विवेक, मैं, बेटा, अपना जमींदार अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ पिताजी? बेटा, वो लोग इंसान नहीं राक्षस है, रावण के खानदान के हैं। देखो देखो देखो, मैं बच्चों को यहाँ पढ़ा रहा था, जमींदार उधर से आया, रोते हुए मेरे पास आया, बोला मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे बचाओ इन राक्षसों से, इन पिशाचों से मुझे बचाओ। मैंने उन्हें बचाने की बहुत कोशिश की, जमींदार मेरे गले मिला, मैं पकड़ लिया, मगर सुना नहीं वो राक्षस मेरे पास आया। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने हाथ जोड़े, पांव पड़े, मैंने 1000 मिन, लेकिन सुना नहीं उस राक्षस ने, बल्कि मुझे धक्का दे दिया और मेरे सामने सीना तान के खड़ा और काट दिया। अंतिम समय उसने मुझे हाथ जोड़कर बचाने के लिए कहा और मुझे बोला कि हॉस्पिटल लेके चलो। मैंने हॉस्पिटल ले जाने के लिए लोगों के सामने हाथ जोड़े, विनती की, लेकिन इधर आओ, ये देखो इन लोगों से, इनसे, इनसे, इन सबसे, इन सबसे, सबसे मैंने विनती मांगी, सबसे विनती की कि मुझे मदद करो, मुझे मदद करो। मैंने आसमान से, मैंने जमीन से, मैंने हवा से मांगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की, किसी ने नहीं की। अंतिम समय में मैंने पंच तत्व से मदद मांगी। बेटा, ये गुंडा राज है, यहाँ कोई किसी के नहीं सुनता, ये राक्षस पिशाचों का राज है, मानवता खत्म हो चुकी है। यहाँ एक इंसान ऐसा चाहिए जो रक्षा कर सके, ऐन मौके पर हर जगह पहुंच जाए, जहाँ जहाँ अत्याचार हो रहा है, जहाँ जहाँ न्याय हो रहा है, उस इंसान की बहुत जरूरत है पिताजी, बहुत जरूरत है। नहीं बहुत जरूरत है पिताजी। पिताजी।
हे रामा स्वामी, हे रामा स्वामी, तू किधर है? बाहर निकल, बाहर निकल। नमस्ते इंस्पेक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार। मैं आपके पांव पड़ता हूँ। अरे भाई, आप तो वेद पंडित हैं। इस तरह आपको देख के मुझे बहुत दुख हो रहा है। अरे पंडित, तुम यहाँ क्यों आए हो और तुम्हें क्या चाहिए? अरे बोलो, अभी मैं इंतजाम कर देता हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो। हाँ, कौन हो तुम्हारा बेटा? छोड़ दो उसे। वो है? ये है तुम्हारा बेटा? अरे 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 अरे, अगर ये तुझे छोड़ दूंगा मगर एक शर्त पे। होशियार तुम हो तो मैं भी हूं ना। और सुनो, इस समय एक अच्छी सी पार्टी होनी चाहिए, तुम मत दो, मैं देता हूँ। पार्टी इससे शुरू करते हैं। पियो ना इसको, पकड़ो इसको, पियो। अरे पियो पंडित जी, अरे लियो ना, पहले इसको पियो, फिर तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। हाँ, पकड़ो पकड़ो, पियो पियो ना पंडित जी, समझ लो तुम्हारे बेटे को छोड़ दिया। हाँ, 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 पियो 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 ना भाई, पियो। हाँ, पियो पी जाओ। कैसा लग रहा है? लगता पहली बार पियो। ये लो, अब इसको खाना पड़ेगा। इस पैक के साथ अब चिकन को भी खाना पड़ेगा। खाओ पंडित जी, खाओ खाओ ना। अरे खाओ ना पंडित जी, मैं तुम्हें खिलाऊंगा। खाओ, अरे मैं आपको अपने हाथों से खिलाता हूँ। खाओ खाओ ना, खाओ खाओ खाओ, अच्छी है। शुरू करो शुरू करो, मैं तुम्हारे बेटे को छोड़ दूंगा। हाँ खाओ खाओ खाओ। कैसा लग रहा है? शबाब और कबाब का स्वाद, मजा आ रहा है। बराबर बराबर, जो तुमने कहा वो मैंने किया, छोड़ दो उसे। हाँ, रामा सुब्बा रेड्डी से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? अरे भैया मेरी बात ध्यान से सुनो, वो पेपर ले जाके उसको दे दो और जगह खाली कर दो, तुमको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, आराम से रहो। हाँ क्या कहते हो? हाँ? अच्छा, अब मैं तुम्हारे घर ट्रक भेज देता हूँ, उसमें सामान लाद के छोड़ दो उसे। अच्छा ये बात है, ए वीरप्पन उसको लॉकअप से बाहर निकाल। अरे सुन रे, रजिस्टर ला, पंडित जी से दस्तखत करा के उसको छोड़ दे। ओके ना पंडित जी? बेटा, पिताजी, पिताजी, वाह पंडित जी, पैग भी पी लिया और चिकन भी खा लिया, जब दिल करे तब तुम इधर आ जाना, खा करके पी करके। ए पंडित, मेरी बात ध्यान रखना, अपना वादा मत भूलना। डॉक्टर से मिल के आ रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत सफर किया तो कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपना सामान पैक करो। रहने के लिए हम इतनी जल्दी कहाँ जाएंगे? इस गांव और लोगों को छोड़कर, इस गोदावरी नदी को छोड़कर हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे। आप लोग मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे हैं? नहीं बेटा, लेकिन तुम्हारे पिताजी जो कह रहे हैं वो सच है, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे, हम कहीं दूर रहने चले जाएंगे, चलोगे ना? माँ, पुलिस स्टेशन में पिताजी का जो अपमान हुआ है वहीं पर मैं समझो मर गया हूँ। इस स्कूल
इस गांव ने हमें इतना कुछ दिया और इसे छोड़कर हम चले जाएंगे? नहीं माँ, इस गांव को, इस नदी को, इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस घर को कोई कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं माँ, इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस घर का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। वेद पंडित की हैसियत से यहां रहने के बाद इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। नमस्कार पंडित जी। अरे बाप रे, आपका बेटा तो बहुत जख्मी है। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इस जगह को मुझे दे रहे हैं। आज दशमी है, बहुत अच्छा दिन है। वो पेपर मेरे हाथ में दे दीजिए। क्यों बेटा? पिताजी, वो पेपर, वो डॉक्यूमेंट मत देना। पिताजी, मैं फिर कह रहा हूं कि आपने पेपर अगर इसके हवाले कर दिया तो समझ लेना कि आपका बेटा मर गया। देखो बेटा, यदि तुमने इन्हें कसम दी तो सोच लेना, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारी बहन सब लोग बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। मैं बोल देता हूँ, लाओ पेपर लेके आओ। इस पैक के साथ अब चिकन को भी खाना पड़ेगा। ए कैलिफोर्निया, पंडित का बेटा घर में आके सबको खत्म कर दिया। इससे हम लोग ऐसे नहीं जी सकते हैं। तू एक काम कर, स्कूल में जाकर सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा कर ले और उसके बाद एक जगह पर इकट्ठा करके उन पे तेल डालकर उन सबको एक जला दे। चलो।
पिताजी 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 पीछे चलिए प्लीज प्लीज पीछे चलिए प्लीज प्लीज मेरे भाई आ गए मेरे भाई पिताजी पिताजी आज से मेरा कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। तुम मत बुलाओ पिताजी मुझे, तुम्हारे दोस्तों ने मिलकर तुम्हें नेता बनाकर हमसे अलग कर दिया है और आज के बाद इस दुनिया से मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं रहा। इस माहौल को अब कैसे बदलना है ये अब तुम्हारे हाथों में है। ये सफर मुझे तय करने दो, मेरे मोह खत्म हो चुके हैं, इस संसार में जीने की कोई तमन्ना बाकी नहीं रह गई, सब कुछ खत्म हो गया। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय पिताजी गृहणाति तथो प्राणि यथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संजाति नवानि देही। तुमसे जुड़ी है जीवन यौवन कहीं भी नहीं कुछ कम। शांति नहीं यहाँ पर देखो तुम बिन सब गए थम। का आनंद मिल रहा है और जरा जोर लगा कर अब मैं तुझे नर्क लोक दिखाता हूं। ए, अपने इलाके में चूहा आया है। चूहा नहीं शेर हूं मैं, दोनों के प्यार को पवित्र बंधन में बांधने के लिए भूखा होने पर नरसिम्हा बन जाता हूं मैं। ए, अभी क्यों आया है बोल। स्वाति को लेकर जाने के लिए और धीरज स्वाति की शादी कराने के लिए, दोनों के प्यार को पवित्र बंधन में बांधने के लिए। अच्छा उस प्यार पर फुल स्टॉप कर दिया। प्रेम में कॉमा होता है, फुल स्टॉप नहीं होता। जब दोनों एक हो गए तो कोई अलग नहीं कर सकता, समझ गए ना? शाबाश, तू है रे असली मर्द, तेरा है दिल, मुझे चाहिए। Thank you.
तुम्हारी ताली बजाने से सिर्फ तुम्हारे 20 चमचे आए और केवल मेरे चुटकी बजाने से पूरा कॉलेज यहां आ गया। अब यह बिल्डिंग तुम्हारी नहीं, मेरी है, मेरी है, मेरी। स्टूडेंट का पावर क्या होता है तुझे नहीं मालूम? वो चाहे तो पूरे वर्ल्ड को हिला सकता है, घर घर में कांपने लगते हैं, यही है असली स्टूडेंट्स। हाथ उठा के जय बोलो तो बस तुम्हारे जैसे लोग थर थर कांपने लगते हैं, यही है असली स्टूडेंट्स की एकता की ताकत। देखा, एक चुटकी मारूं तो बस बिल्डिंग के साथ साथ तेरा शरीर भी इस मिट्टी में मिल जाएगा। कोई भी आगे आया तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे तेरे और तेरे साथियों के। उन दोनों की शादी करवाओ। धीरज। यस सर। चलो। नंदू 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 नंदू। मैं नंदू से प्यार करती हूँ पापा। लिट। दीदी। मेरी बेटी गलती करती है और तू उसको चांस देता है? मैं छोडूंगा नहीं। तू क्या बकवास कर रहा है? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? डैडी, ये तो विवेक है। विवेक नंदा भारती, वो मेरे कॉलेज में काम कर रहा है और मुझे पता तक नहीं है। ए सिद्धार्थ। हाँ डेड। मुझे उसका सर चाहिए। नमस्ते तुम भाई। मुझे उसका सर ला के दे। तुम कौन हो? आई एम कमल फ्रॉम कैलिफोर्निया। यहाँ काय के लिए आया? आप लोग NRI है मालूम हुआ तो आपको एक इमोशनल कहानी सुनाऊंगा। आप सुनेंगे? तो ऐसे मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, अभी मैं दूसरी जगह ट्राई कर रहा हूँ। भाई आप खाते रहो, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। पर्दा ओपन हुआ तो हीरो अपने परिवार के साथ बस स्टॉप से निकल रहा है। वो जो हीरो है वो एक ब्राह्मण फैमिली से है और उसके पिताजी एक छोटा वेद पाठशाला चलाते हैं। अब स्कूल कहाँ रहे? उसको तो जला के भस्म कर दिया। बिल्कुल सही, कहानी में भी वही चल रहा है। आगे भाई, स्कूल के जगह में नए तरीके का रिसोर्ट बनाने के लिए विलेन लोगों ने स्कूल भस्म कर दिया। हीरो का पिताजी उस आग में जाकर भस्म हो गया जिसमें सारे बच्चे मर गए। वही फ्लैशबैक होता है इसलिए तुम चिंता मत करो। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट सुनो। हीरो गांव से आकर विलन के कॉलेज में प्यून से प्रमोशन लेकर PD हो जाता है। असली मैटर पे आ आ रहा हूँ भाई। हाँ। आ रहा हूँ भाई। अभी इस फिल्म की हीरोइन बिल्कुल ये समझ लो कि तुम्हारी बेटी की तरह है। हाँ, वो पीडी से प्यार करने लगती है। इसका पता लड़की के बाप को हो जाता है और उसके पिता बेडरूम में बंद कर देते हैं और उस बेडरूम में हर तरफ हीरो का फोटो लगा होता है। वो देखकर विलन शौक शौक टॉक। हाँ, वो बेडरूम में देखकर, बेटी तुम मेरी बात मानो, वो इंसान नहीं जानवर है, वो तुमको भी मार डालेगा। सुनो बेटी, तुम नंदू के साथ निकल जाओ, यहाँ बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वो हैवान जरूर है लेकिन मेरे लिए वो भगवान है। मेरा नंदू मुझे लेकर जाएगा, मुझे उस पर यकीन है मामा जी। हीरो की एंट्री टाइगर की तरह होती है। बेडरूम में जाकर हीरोइन का हाथ पकड़कर तुम्हारे सामने से लेकर जाता है। उधर क्या देख रहे हो साहब? मैंने जो भी बोला वो बिल्कुल सच लग रहा है ना? उसके बाद विलन का क्या होता है? मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ बोल। तुम्हारी बेटी को विवेक उठा कर ले गया और मेरी बेटी को भी वही लेके गया है। अब दोनों शत्रु नहीं फ्रेंड है, अब वो दोनों का दुश्मन है। वो कहाँ मिलेगा? अपने अड्डे में। दिस इज द क्लाइमेक्स। बाकी का क्लाइमेक्स मैं बताता हूँ। हाँ बोलिए। मैं और भुज्जी दोनों मिलकर उस विवेक के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? कैसे आदमी हो? विलन के हाथ से हीरो मर जाए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सत्यानाश हो गया स्क्रिप्ट का। हाँ, हीरो के हाथ से विलन मार खाता चला जाए तो जाकर के क्लाइमेक्स कुछ बनता है। जब तक विलन मार न खाए तब तक पिक्चर हिट कैसे होगी? बदलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं बदलेगा। तुम 2 करोड़ दोगे तो भी नहीं बदलेगी क्योंकि हीरो के हाथ से तुम मर जाते हो। पक्का है? पक्का है, एकदम पक्का है, क्योंकि तुम मरने वाले हो। क्या? बिल्कुल नहीं बदलेगा। बिल्कुल सही। नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा। अब हम दोनों दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन विवेक है। अब हम उसे मिलकर मारेंगे। इसीलिए तो हम एक हो गए हैं।
अब दोनों का रिलेशन बन जाए तो कुछ नहीं कर सकता है। अच्छा, मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से करूंगा। अब दोनों के शादी का मुहूर्त हम एक साथ ही निकालेंगे। ये तूने बहुत सही कहा। कौन है वहाँ पे? तुम्हारी तरह दोनों की डेथ बॉडी की पूजा करने आया हूँ मैं। मरण होम करने आया वेद पंडित हूँ मैं। दोनों को मारने आया धर्मराज भी हूँ मैं। और एक यंग यूथ वेद पंडित हूँ मैं। जनजीवन को सही करने वाला अडिक की तरह हूँ। अब से तुमको टाइम टू टाइम परेशान करने वाला हूँ, इसलिए यहाँ आया हूँ। दोनों चिरंजीवी धीरज और सौभाग्यवती स्वाति दोनों का 18/5/2005 को वेंकटेश्वर मंदिर में शादी कराने का निर्णय लेने वाला विवेकानंद पंडित ने ऑर्डर कर दिया। तुम दोनों वहां आकर अक्षत डालना, नहीं तो अगर उसमें विधन डालने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर कुत्तों को खिला दूंगा। वरुण चिरंजीवी धीरज पूर्व नक्षत्र भद्र, इसी नक्षत्र में सौभाग्यवती स्वाति की शादी होना तय हुआ है। इस विवाह में सूर्य चंद्रमा तारा मंगल ग्रह सभी का आशीर्वाद है। देवी देवता श्री वेंकटेश्वर महाराज का भी आशीर्वाद संपन्न हुआ है। इस विवेकानंद के हाथों ही ये मुहूर्त निकला है। माता चंडी के आशीर्वाद से ये कार्ड मिले हैं तुमको। शादी के मंडप में आकर आशीर्वाद दो उन लोगों को। एनी टाइम आई एम रेडी। टाइम अभी नहीं आया है। अबे चुप! अरे जल्दी जल्दी बजाओ, मैं कह रहा हूं ना तुमको, जल्दी जल्दी बजाओ, जल्दी से फेरे करो। अरे भाग भाग भाग! हे!
बाजा बजाओ, मंत्र बोलो, धीरज और स्वाति की शादी कराने के बाद विवेक अपनी मां और बहन के साथ गांव लौट चुका था। अपनी उस पुण्य जन्मभूमि पर पहुंचने के बाद पुनः ईश्वर के साथ प्रेम करने लगा। तपद्महरं देवं त्वं सूर्यं प्रणमाम्यहम्।